अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी दोपहर का 1 बज रहा है, तो आज तो नाश्ता उस्ता हो गया था। सोची कि आज की खिचड़ी बना दूँगी, तो मैं सोची लेट से बनाऊँगी, क्योंकि खिचड़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना तो लेट ही से 1 बजे 1.5 बजे बनाती हूँ, क्योंकि 3 बजे तक खाना खाते हैं तो गर्म गर्म रहता है तभी। तो अभी गई हूँ किचन में, देखी हूँ तो दाल भीगा हुआ था, कल रात को निकट भीगा के रखी थी। तो अभी तो खिचड़ी बनना कैंसिल हो गया, अभी बनाऊँगी उसकी दाल की सब्जी। एक मिनट कोई, तो दाल की सब्जी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो सोची वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तौफीक का क्लासेस भी चालू होने वाला है। ऐसी थोड़ा थोड़ा करके बना लेती हूँ कि मतलब अभी रोज़ कंटिन्यू जा पा रहा है मेरा, नहीं तो असकत करती हूँ, करूँगी तो फिर वैसे ही रह जाएगा। तो जब भी मोबाइल खाली रहता है अभी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं करके बना लेती हूँ। तो अभी वही खाना बनाऊँगी, अब बन जाएगा। अभी 1 बजा है, लेकिन 1 घंटे में खाना बन जाएगा। ऐसे भी मेरे यहाँ लेट ही खाते हैं सब, कम से कम 3 साढ़े 3 बजे से पहले खाना कोई भी नहीं खाता है। तो अभी जा रही हूँ बनाने, और उसकी रेसिपी भी आप सबको बताऊँगी आज। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, रेसिपी बताती हूँ आप सबको। आप वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। चलिए फिर किचन में चलते वीडियो। तो ये दाल को कल रात को निखत भिगा दी थी, उसको बोली थी चने का भिगाने को, क्योंकि कल रात को बनाई थी चने के दाल में दूधिया डाल के, तो टूअर की भिगा दी थी, क्योंकि एक ही जैसा उसको लगा पीला पीला दोनों दाल। तो इसका क्या करती, वैसी छोड़ दी मैं, चने का दाल भिगा के फिर दूधिया दाल बना ली। और उसके बाद इसको अभी क्या करती, तो इसको अभी पीस के इसकी सब्जी बना दूंगी। इसमें डाली हूँ जीरा और नीचे हरी मिर्ची लहसुन, ये सब डाल के पीस दूंगी। अब पीसने के बाद मसाले में ली हूँ प्याज टमाटर लहसुन अदरक, इसका पेस्ट बनाऊंगी। अभी पीस के फिर बताती हूँ कैसे सब्जी बनाते हैं। सुन, तो अभी इसको पीस ली हूँ, एक प्याज काट के डाली हूँ। अभी इसमें सूखा मसाला सब डालूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसको तावे पे तल लूँगी, तलते हुए भी बताती हूँ आप सबको। अभी चालू है तौफीक की क्लासेस, तो थोड़ी आवाज़ आती होगी, क्योंकि सामने ही बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है। ये ना गलतफहमी में ये दाल कल भीग गई थी, निकत को बोली थी कि चने की दाल भिगा दे, और वो उसको समझ में नहीं आएगी टूअर की कौन सी है चने की कौन सी है, तो ये टूअर की भिगा दी थी। तभी इसको फेंक तो सकती नहीं थी, इतना सारा दाल था। तो मैं बोली अब भी इसकी सब्जी मैं बना देती हूँ। ये सब्जी बच्चे लोग को मेरे पसंद भी बहुत आता है। तो अभी तावा चढ़ा दी हूँ, आइए ना कल कबाब तली थी उसमें से थोड़ा तेल बच गया था, तो ये डाल दूंगी मैं। तो अभी इसको ये देखिए, ये ऐसे ऐसे लेके ऐसे हाथ में फैला के इसको ऐसे डाल दूंगी। आप चाहिए तो पूरा तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं रहता, सब्जी इसकी बनानी रहती है तो ऐसे भी फ्राई हो जाता है ये। तो इसी तरह सब मैं कर लूँगी फ्राई। उसके बाद गुड्डू मेरा मुंह देख रहा है कि किससे बात कर रही है, तो इसी तरह सबको डाल दूँगी इसमें।
अब फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद मसाला का बताऊँगी आपको बघार लगा के फिर कैसे बनाना है। देखिए इसी तरह सब भजिया को मैं तल ली हूँ तावे पे डाल के। ऐसे तलने में तो तेल भी थोड़ा कम लगता है। और यहाँ पे मैं मसाला पीसी हूँ, अभी इसमें सूखा मसाला सब डालूँगी। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है, पहले तेल डाल देती हूँ इसमें। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मेथी दाना डालूंगी। मसाले में डालूंगी हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। अभी ये मसाला सब इसमें डाल दी हूँ। अभी इसमें फ़ौरन के लिए मेथी दाना डाल दूँगी तेल में। अभी ये काला थोड़ा हो जाएगा तो इसमें मसाला डाल दूँगी। आज सोची मैं ये बनाने जा रही थी, मैं बोली आज रेसिपी दे देती हूँ। ये चीज़ ऐसे भी कभी कभी बनता है, तो कभी कभी जो चीज़ बनता है उसकी रेसिपी देना चाहिए, तो मैं बोली आज देती हूँ इसकी रेसिपी। बना ही रही हूँ तो दे देती हूँ आप सबको। आई इसकी सब्जी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चे लोग बहुत शौक से खाते हैं आते। मैं बहुत बहुत दिन के बाद बनाती हूँ शायद। अभी इसमें मसाला डाल दूँगी। मसाले को ना एकदम अच्छे से भुनना है, उसमें ज़रा सा भी कच्चापन का महक नहीं रहना चाहिए। तो इसको अभी मैं भून लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। देखिए अभी तेल ऊपर आने लगा, तो अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक। अभी इसको और भूनूंगी 2 मिनट कम से कम, एकदम मतलब तेल पूरा ऊपर आ जाए। देखिए एकदम मसाला एकदम भुना गया है, एकदम तेल देख रहे हैं, तेल एकदम साइड से ऊपर से निकलने लगा है, तो मतलब मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अभी इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा गाढ़ा बनाइए, और चावल के साथ खाना है तो पतला थोड़ा बनाइए। तभी तो मैं चावल बना रही हूँ, तो चावल के साथ खाना है तो थोड़ा मैं पतला ही आ, क्योंकि अभी ये भजिया डालूँगी ना इसमें, तो ये भजिया सोखता भी है, तो ये पानी एकदम आधा हो जाएगा। तो अभी इसमें जो भजिया सब बनाई हूँ वो डाल दूँगी। ये सब्जी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में, बहुत जल्दी बन भी जाती है। अब मेरे पास अक्सर अगर सब्जी उब्जी घर में नहीं रहा तो ये दाल भिगाकर बना देती हूँ। उबल जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं धनिया की पत्ती काट के डालूँगी, उसको ढक के रख देती हूँ। अभी देखिए ये अच्छे से उबल गया है, अभी इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल दूंगी। ये इतना पतला लग रहा है ना, सॉरी गिर गया, ये देखिए अभी बंद कर दूंगी ना तो ये और सूख जाएगा, क्योंकि वो भजिया जो है ना बंद करने से ठंडा होने पे और भी सूखता है, वो रस घींच लेता है सिरवा। तो अभी ये तैयार हो गया है, नमक वमक सब चेक कर ली हूँ मैं, और आप सब बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है, अब बच्चे सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो अभी यहाँ पे गैस बंद कर देती हूँ मैं। तो अभी तो सब्जी भी बन गई है, खाना भी बन गया, इसके अब्बा को भेज भी दी हूँ डब्बा टिफिन पैक करके, क्योंकि वो घर पे नहीं आते खाना खाने, उनको दुकानी पे भेजती हूँ, तो उसी लेकर चला गया है।
अभी तौफीक की है क्लासेस चालू, निखत चली गई है ट्यूशन, तो अभी जब तौफीक की क्लासेस ख़त्म हो जाएगी तब फिर मैं तौफीक खाना खाऊंगी, जब तौसीफ भी आ जाएगा देकर। ये छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा। और अभी आगे का बनाना सोचूंगी ना, तो फिर नहीं बन पाएगा। मैं अभी ना आजकल मतलब रोज़ जितना हो सकता है ना सुबह से बनाती हूँ, शाम को मैं अपलोड कर देती हूँ एडिटिंग ये सब करके। तो छोटी हो या बड़ी हो जो भी हो डाल देती हूँ। तो यही था अभी तौफीक का, अभी होगा 4 बजे तक उसकी क्लासेस ख़त्म होएगी, अभी तो 2:45 हो रहा है। तो सोची चलो वीडियो एंड कर देती हूँ, जब तक उसकी क्लासेस ख़त्म होएगी मैं एडिट करके छोड़ दूँगी वीडियो को, तो जब तक हो जाएगा मेरा भी काम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फिर अब मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो लेकर।